लोग कैसे हैं सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को दिल से स्वागत है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको डार्क थीम पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एंड दोस्तों, इस थीम के अंदर देख सकते हो किस तरह का कमाल का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एंड ये एक प्योर स्टॉक एंड्रॉयड थीम है, सो दैट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। आप धीरे धीरे से वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता लगेगा। एंड इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, इसमें आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपनी कोई भी रियलमी एंड ओप्पो स्मार्टफोन के अंदर, और इसको कैसे क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो जी दोस्तों, ये बीटा थीम है एंड इसमें सभी चीज़ आपको नहीं मिला, जैसे कि आपको पता होगा। एंड जो भी भाई ने कमेंट किए थे कल कि नहीं इसमें ये चेंजेस चाहिए, तो वो सभी चीज़ आपको नेक्स्ट उसका जो अपडेट आएगा स्टेबल वर्जन उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सभी चलो उसमें आपको दिखाया था, उसमें डार्क थीम वर्जन के अंदर आपको क्या मिलता है। एंड ये एक एमुलेट डार्क है। एंड आपके फ़ोन के अंदर यदि भी एमुलेट फ़ोन नहीं है तो इस तरह का डार्क यूज़ करके आपके फ़ोन का जो नेक्स्ट लेवल का डार्क का आप जो मतलब एक्सपीरियंस है उसको आप अचीव कर सकते हो इस थीम की मदद से। दोस्तों पहले तो आप इंटरफेस चेक करो कि इस तरह कुछ आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड किया था स्टॉक एंड्रॉयड है, तो इस तरह का कुछ आपको स्टॉक एंड्रॉयड लिनेज ओएस का मिल जाता है। एंड इसमें आप ऊपर देखोगे इस तरह का आपको आइकन एंड्रॉयड का मिल जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे देखने को दिखता है। तो यहाँ पे तो आपने मतलब नोटिफिकेशन पैनल देख लिया है। एंड बात करेंगे यहाँ पे स्टेटस बार की, गाइस यहाँ पे देखो तो वोल्टी आइकन देखने को मिल जाता है इस तरह का। एक भाई ने रिक्वेस्ट किए थे तो उसके ऊपर मैंने वोल्टी आइकन को भी चेंज किया था। एंड इन फ्यूचर जब भी आप फीडबैक दोगे तो मैं इस तरह का चेंज करते रहूँगा सपोर्ट करे तो। ओके, एंड बात करें यहाँ पे आइकन की, गाइस आइकन से आपको इस तरह का मिल जाता है एक नया टाइप का। एंड मैं इस तरह का आइकन्स दिया है मतलब आपको ट्राई करने के लिए, सो दैट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आप इसको यूज करें और फीडबैक अपना बताएं इस आइकन आपको कैसा लग रहा है। एंड आटल जो भी चीज़ें हैं, एंड एप्लीकेशंस ड्रॉयर भी देखोगे इस तरह कुछ आपको एप्लीकेशंस ड्रॉयर भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही क्लासिक मिल जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं किया है क्योंकि मोस्टली बंदों का ट्रांसपेरेंट किसका सपोर्ट करता है किसका नहीं करता है, तो उससे बेहतर है आपको नॉर्मल देना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया होगा आइकन्स कैसा है, स्टेटस बार कैसा है। आपने चलो देख लेते हैं सेटिंग्स पैनल की। जी दोस्तों, इस थीम का जो सेटिंग्स पैनल है इस तरह का आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा ये कि स्टॉक एंड्रॉयड थीम है, तो उसका जो सेटिंग्स पैनल एक्यूरेट स्टॉक एंड्रॉयड जैसा लिनेज ओएस जैसा देखने को मिल जाता है। तो मैं देख सकता हूँ इस तरह कुछ आपको लिनेज ओएस जैसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। एक यूनिक रिफ्रेश लुक आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देगा यदि आप इस थीम को यूज करेंगे। एंड देख लो तो इस तरह का कुछ मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉक स्क्रीन की, जो लॉक स्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसमें आपको ऊपर देख सकते हो लिनेज ओएस लिखा गया है। एंड इसका जो ब्लू कलर का वॉलपेपर है, एंड यहाँ पे आप उसे स्वाइप अप करोगे तो आपकी फ़ोन के अंदर आप लॉक स्क्रीन अनलॉक्ड हो जाएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो हे गाइस, आपने तो देख लिया होगा इस तरह किसी इंटरफेस देखने को मिल जाता है, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। एंड चलो मैं आपको देखता हूँ वॉल्यूम पैनल की। दोस्तों वॉल्यूम पैनल कुछ ऐसा आपको एक्यूरेट स्टॉक एंड जैसे देखने को मिल जाता है। बहुत सारा फीचर्स भी ऐड करना बाकी है, तो अपना फीडबैक जरूर बताएं इस थीम के रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं इसे 5 मिनट्स को कैसे बाईपास करना है अपनी थीम के अंदर, फोन के अंदर, अपनी रियलमी स्मार्टफोन के अंदर, ओप्पो स्मार्टफोन के अंदर कैसे इस थीम को परमानेंटली यूज करना है। तो सिंपल से यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फ़ोन के अंदर आई मोड फ्रो तो होना होगा। एंड जी दोस्तों, और एक बार यदि आपने फ़ोन अपडेट कर लिया है तो उनके लिए तो एक डिफरेंट चीज़ है, आई मोड फ्रो उनके लिए काम नहीं करता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम में एक वीडियो है अपना 5 मिनट्स को कैसे बाईपास करना है, वो यूनिवर्सल वीडियोज़ हैं, आई मीन समझ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। उसमें जाके चेकआउट कर लेना तो बहुत ही अच्छे तरीके का काम करता है, वो चल जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। आप उसमें आप 5 मिनट्स का बाईपास कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से मेरा अपडेट नहीं हुआ है फ़ोन, सो दैट मेरा iMode Pro अभी भी स्टिल काम कर रहा है। तो सिंपल से मैंने iMode Pro ओपन कर दूंगा, एंड जैसे ही मैं ऐप ओपन करूंगा यहाँ पे जैसे ब्लू कलर का जो बटन दिख रहा है सिंपल से क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे दोस्तों थीम हैज़ बीन ट्रायल डिसेबल्ड हो चुका है, एंड मेरा जो थीम है 5 मिनट्स के लिए बाईपास हो चुका है। मैं अभी इस थीम को डेली बेसिस में यूज़ कर पाऊंगा, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला, कोई परेशानी देखने को नहीं मिला। जी दोस्तों, मैं बता दूँगा, रिपीट कर दूँगी यदि आपकी फ़ोन अपडेट आपने कर लिया होगा। एंड नए अपडेट के साथ तो ऑब्वियसली ये जो मतलब 5 मिनट्स का ट्रायल है आई मोड पे काम नहीं करेगा, सो दैट वो वीडियो जरूर जाकर चेकआउट कर लेना टेलीग्राम में। एंड टेलीग्राम अब तक ज्वाइन नहीं हुए हो, जल्दी जल्दी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोनों में जाकर चेकआउट कर सकते हो। कोई भी इंटरेस्टिंग मैसेज है एंड कोई भी कमेंट्स मेरे को कर सकते हो, कोई फीडबैक है मेरे दे सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन से अंदर जरूर बताएं, और मेंशन कीजिए अपने फेवरेट पार्ट्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग थीम के साथ. थैंक यू सो मच.